कांग्रेस सरकार ने उसके लिए स्पेशली जियो निकाला है कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी के समक्ष सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है एमआईएम के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। 2018 में भी मैंने यही एमआईएम के एक विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बिठाया था, वो समय पर भी मैंने शपथ नहीं ली और आज भी मैं शपथ नहीं लूंगा। आज मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहूंगा, क्या बीआरएस के मार्ग पर तुम चलना चाहते हो क्या? बीआरएस ने जब तेलंगाना राज्य में सरकार बनी बीआरएस की, तो उनकी कार की स्टेयरिंग एमआईएम के हाथ में देकर एक बहुत बड़ी गलती की थी। आज जहां सरकारी लैंड है वहां पर इनका कब्जा है। आज तेलंगाना में रहकर हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति के सामने क्या हम शपथ ले सकेंगे? आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहूंगा कि बार बार ये रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना राज्य का नया मुख्यमंत्री बना है, ये बार बार ये कह रहा था कि बीआरएस एक है, एमआईएम एक है और बीजेपी एक है। तो मैं आज कांग्रेस के वही मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आज तुम बताओ कि तुम्हारा और एमआईएम का क्या रिश्ता है? आज तेलंगाना विधानसभा में कई ऐसे सीनियर विधायक हैं, उनको भी आप बिठा सकते थे दूसरे दूसरे पार्टियों के, लेकिन जानबूझकर माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में, एमआईएम के नेताओं को खुश करने के चक्कर में तुम ये एक बहुत बड़ी गलती कर हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना रेवंत रेड्डी जी, हम नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लाते हैं तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और कल किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक अकबरुद्दीन के सामने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित नहीं होगा। हम दूसरे दिन जो तेलंगाना राज्य का जो नया स्पीकर आएगा, हम उसके सामने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित रहेंगे।